अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का हम ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने तुलू आफ्ताब का वक्त, डूब आफ्ताब का वक्त, दिन का वक्फा, रात का वक्फा कितने घंटे का होता है, इन सब की मालूमात हमने जदोल की मदद से हासिल की। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मुख्तलिफ पहरों की मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, जमीन को अपने महवर पर एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। जमीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की सिमत गर्दिश करती है। जमीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हमारे लिए दिन की शक्ल में वक्त का शुमार करना मुमकिन होता है। तुलो आफ्ताब, जवाल आफ्ताब या दोपहर, ग्रुब आफ्ताब, इसी तरह दिन की तवालुत और रात की तवालुत जैसे दिन के मुख्तलिफ पहरों का हमें इल्म होता है। तुलु या गुरूब आफ्ताब उफक पर हमेशा एक मुकाम पर होते हैं। उफक पर तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के मुकामात में तब्दीलियां क्यों कर होती हैं, इसको समझने के लिए हम दर्ज झेल अमल करेंगे। अमल कीजिए। मेज के एक तरफ बड़ा सा सफेद कागज चस्पा कीजिए। मेज के सामने के हिस्से में एक टॉर्च इस तरह रखिए कि वो बिल्कुल साकित रहे। कागज और टॉर्च के दरमियान मेज पर एक मोमबत्ती या एक मोटी छड़ी खड़ी कीजिए। टॉर्च की रोशनी मोमबत्ती या छड़ी पर इस तरह डालिए कि उसका साया कागज पर पड़े। मोमबत्ती या छड़ी का साया कागज पर जिस मुकाम पर पड़े वहां पेन से निशान लगाइए। अब कागज मोमबत्ती के साथ मेज को आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ सरकाइए। कागज पर पड़ने वाले साये का मुशाहिदा कीजिए। साये के मुकाम में होने वाली तब्दीलियों का इंदराज कीजिए। जुग्राफियाई वजाहत। मज़कूरा अमल में मेज के मुकाम की तब्दीली से बनने वाले साये के मुकाम में होने वाली तब्दीलियों का आपको अंदाजा हो जाएगा। जमीन पर अगर साल भर हम सूरज के मुकाम का मुशाहिदा करें तो हमें सूरज के तुलू और ग्रुब होने के मुकामात की तब्दीलियों का अंदाजा होगा। ये तब्दीलियां किस वजह से होती हैं, ये ज़ेल की सरगर्मियों की मदद से समझेंगे। अमल कीजिए। 5 से 6 फीट लंबाई की एक मोटी लकड़ी लें। ये लकड़ी एक ऐसी दीवार के करीब थोड़े से फासले पर जहां साल भर तुलू आफ्ताब के वक्त सूरज की शुआएं पड़ती हो नस्ब करें। लकड़ी साल भर इसी मुकाम पर नस्ब रहे, इस बात पर खुसूसी तवज्जे दें। मुशाहिदे के बाद लकड़ी के साये की जगह लकीर खींचकर तारीख का इंदराज करें। साये के मुकाम पर होने वाले फर्क के फासले की पैमाइश करके उसका इंदराज करें। इस सरगर्मी के अरसे के दौरान उफक पर तुलू आफ्ताब या ग्रुब आफ्ताब के मुकाम का भी मुशाहिदा करें। और सबक का अगला हिस्सा सितंबर महीने में पढ़ाएं।